नमस्कार सभी को। आज के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को नवरात्र के एक बार फिर से दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्र के इन 9 दिनों में जो कि कल आपके पूर्ण होने वाले हैं, विजयादशमी आने वाली है, दशहरा आने वाला है, तो इन 9 दिनों से हमने क्या, 8 दिन आज व्यतीत हो चुके हैं, तो क्या सीखा या क्या सीख हमें इन नवरात्र से लेनी चाहिए, तो उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में सफल हो पाए, तो इस बात पर आज हम इस शॉर्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला नवरात्र जो है आप सभी के समक्ष आता है माता शैलपुत्री, जिनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में दृढ़ता और स्थिरता, ठीक है, किसी भी लक्ष्य को लेकर के दृढ़ होना और स्थिर होना बहुत आवश्यक है। दूसरा माता ब्रह्मचारिणी से जो हम सीख ले सकते हैं कि हमें अपने जीवन में जो है वो शांति को अपनाना चाहिए कि किसी भी तरह की जो बाह्य वातावरण है उसे क्रोधित नहीं हो जाना चाहिए, शांति जो है अपने जीवन में होनी चाहिए। तीसरा माता चंद्रघंटा से हम समर्पण की सीख ले सकते हैं कि हम किसी भी कार्य के प्रति इतने समर्पित हो जाएं ताकि हमें सफलता मिल पाए। एक विद्यार्थी के जीवन में ये सीख जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। माता कुष्मांडा से चौथे नवरात्र के रूप में हम सीख ले सकते हैं कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्कंद जो माता है उनसे हम ये सीख ले सकते हैं पांचवे नवरात्र के रूप में कि हमें असहाय और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। छठे कात्यायनी माता से हम जो है अपने जीवन में सामंजस्य, क्योंकि सुख और दुख जो है वो जीवन का हिस्सा है, तो हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि किस तरह हमें अपने जीवन को बैलेंस रखना है या सामंजस्य पूर्ण रखना है। सातवीं जो कालरात्रि है जिनसे हमें अपने जीवन में आसुरी शक्तियों या यूं कहें कि हमारे अंदर जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर हमें कैसे नियंत्रण रखना है या उनसे हमें बुरी प्रवृत्तियों से कैसे दूर रखना है वो सीख हमें लेनी चाहिए। आठवीं जो कि आज दुर्गाष्टमी है महागौरी से हमें कर्मशीलता की, सदैव हमें अपने कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए, इसकी सीख हमें लेनी चाहिए। और कल आपका नवा नवरात्रा है, माता सिद्धिदात्री से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमेशा खुश रहे अपने जीवन में, ये जीवन जो है वो बार बार नहीं मिलता, तो हमें हमेशा अपने जीवन में अष्ट सिद्धि और 9 निधि जो है ये आपकी खुशियों का खजाना होती है, तो हमेशा खुश रहने की सीख जो है वो आप सभी को लेनी चाहिए। और अंत में विजयादशमी जो है जो ये दिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो हमें हमारे जीवन की जो भी बुराइयां हैं, जो भी हमारे मन में जो बुरे ख्यालात हैं, उन सभी को हमें विजयादशमी पर दहन कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए, आप सभी को एक बार फिर से नवरात्र की, दुर्गा नवमी की, दुर्गाष्टमी, दुर्गा नवमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।